जैन चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 13, द स्टोरी ऑफ अ व्हील। इन दिस चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ अ व्हील वॉज इन्वेंटेड एंड द यूजेज ऑफ अ व्हील। मोस्ट ऑफ अस यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कम टू स्कूल, लाइक बस, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, etc. What is the common feature of all these modes of transport? Yes, it is the wheel. Have you ever wondered if there was no wheel, how you would travel? A wheel is very important for us. We use it in most machines in our life. Do you know how the wheel was invented? See, children. When you come to school, आप क्या use करते हो? Transport use करते हो, different modes of transport use करते हो, like bus, car, scooter, motorcycle, cycle. तो इन सब में एक चीज common होती है and which is the wheel. Wheel जो होती है इन सभी में common होती है. But do you know कि इस wheel को invent किसने किया था? किसने ढूंढा था इसे? आप देख सकते हैं कि इन आर डेली लाइफ देर आर सो मेनी मशीन्स, वी यूज व्हील इन ऑल दीज मशीन्स. जैसे आप एक स्विंग मशीन अपने घर में देखते होंगे, सबसे पहले उसमें व्हील होती है ना? तो ऐसे ही बहुत सारी वॉशिंग मशीन में भी क्या होती है? वो भी तो रोटेट करता है, घूमता ही तो है वो भी. तो वो क्या है? वो भी एक तरह का व्हील ही है. चलो अब हम जानते हैं कि देखते हैं कि स्टोरी क्या है इस व्हील को इन्वेंट करने के पीछे किसका हाथ है और ये व्हील हमारे सामने, हमारे इसकी एग्जिस्टेंस कैसे हुई. ठीक है. थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो अर्ली ह्यूमंस वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. दे कैरीड व्हाट दे नीडेड ऑन देयर ओन बैग्स. बहुत पहले थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, हजारों साल पहले, जब आप और हम अस्तित्व में नहीं थे, जब हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, उस समय कौन थे? दैट टाइम देयर वॉज अर्ली ह्यूमन्स, जिनको आप हिंदी में कहोगे आदि मानव और इंग्लिश में अर्ली ह्यूमन्स, जो आज नहीं है. वो क्या है? वे हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं. अर्ली ह्यूमंस, हम उनकी आगे जो आने वाली पीढ़ी हुई, जनरेशन हुई, उनके थ्रू ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, हम आए हैं. एक ऐसा समय आएगा जब हम किसी के लिए अर्ली ह्यूमंस हो जाएंगे और हम उनके एंसेस्टर हो जाएंगे और वो उस समय की जनरेशन हो जाएंगे. तो ये जो साइकिल, लाइफ साइकिल है, वो ऐसे ही चलती रहती है. तो इसी लाइफ साइकिल के स्टार्टिंग में जब से हमने समझा है कि मानव, मैन, ह्यूमंस इस पृथ्वी पे थे, तब से ये स्टोरी शुरू होती है. इसकी शुरुआत होती है वहाँ से जब अर्ली ह्यूमंस जो थे उनके पास कोई घर नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था. वो क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह, प्लेस टू प्लेस, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, दे यूज टू वॉक. क्यों? क्योंकि जब ट्रीज के ऊपर जो फ्रूट्स लदे होते थे, उनसे जब वे अपना पेट भरते भरते उस पेड़ों के जब फ्रूट्स ख़त्म हो जाते थे, तो उन्हें ये नहीं पता होता था कि हमें वेट करना है या इस पे कब आएंगे. इतनी जानकारी, इतनी नॉलेज नहीं थी उन्हें. तो वो क्या करते थे? एक जगह से, एक जगह फूड ख़त्म हो गया तो दूसरी जगह निकल लिए, क्योंकि शेल्टर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था पेट भरना. उस समय जब उन्हें कुछ अपने साथ में लेके जाना होता था, तो दे ऑलवेज यूज टू लोड ऑल द थिंग्स ऑन देयर ओन बैक. तो क्या होता था उनको? ऑब्वियसली भारी लगती होगी या फिर तकलीफ होती होगी, ज़्यादा हेवी सामान उठाने में प्रॉब्लम होती होगी. तो क्या हुआ इसके बाद? कहानी आगे कैसे बढ़ती है, आइए देखते हैं. When he learned to tame animals like horses, donkeys and cows, he started to use them to carry heavy loads. व्हील के भी इन्वेंशन के पहले उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था? उन्होंने टेम एनिमल्स,
एनिमल्स को उन्होंने हेवी लोड्स कैरी करने के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया था. उन्होंने एनिमल्स को पालतू बनाना स्टार्ट किया था. टेम का अर्थ क्या होता है? टेम का अर्थ क्या होता है? पालतू. ठीक है. तो अर्ली ह्यूमंस नोटेड दैट राउंड ऑब्जेक्ट्स सच एज लॉक्स ऑफ वुड रोल्ड इजीली. उन्होंने देखा कि लकड़ियों का एक गट्ठर है जो इजीली रोल्ड हो रहा है अपने आप. वो पुश करने पे, जब ऊंचाई से या फिर किसी प्लेन सरफेस से उनको पुश कर रहे हैं तो वे रोल हो रहे हैं. उसके बाद क्या किया? ही ट्राइड रोलिंग इट अलोंग द ग्राउंड. उन्होंने उसको ग्राउंड पे रोल करना स्टार्ट करके देखा कि क्या ये रोल हो रहा है. ही रियलाइज दैट इट वॉज ईजी टू रोल अराउंड थिंग्स अलोंग द ग्राउंड. उन्होंने देखा कि ज़मीन के साथ इसको रोल करना और खींचना बहुत ज़्यादा ईजी हो जा रहा है. फिर उन्होंने क्या किया? इसको लेटर परहैप्स ही स्लाइस्ड अ ट्री ट्रंक, मेड होल्स एंड यूज्ड देम एज द फर्स्ट व्हील्स. ही मस्ट हैव कनेक्टेड टू राउंड ट्रंक्स विद अ स्टिक ऑन व्हिच ही पुट अ कार्ट. ही वाज नाउ एबल टू कैरी थिंग्स मोर इजीली. अब उन्होंने क्या किया? एक ऐसी गाड़ी बना ली. किसको यूज करके? व्हील्स को यूज करके. उन्होंने एक ट्री के ट्रंक को काट के उन्होंने क्या किया, उसके स्लाइड्स के रूप में उसको काट लिया. उसके बीच में उन्होंने होल कर दिया. होल करके दो दो, एक इस तरफ अपने काट में, एक इस तरफ, एक उस तरफ, दोनों तरफ एक एक व्हील लगा लिया. इसके बाद उसमें उन्होंने सामान को लोड किया. लोड करके जब उन्होंने उसको पुश किया तो उन्होंने क्या देखा कि उन्हें बहुत ही कम भार के साथ, बहुत ही कम जोर लगाने पे वो जो कार्ट है वो इजीली मूव हो रहा है और वो बहुत सारे सामान को एक साथ इस कार्ट के थ्रू अपने साथ कहीं भी लेके जा सकते हैं. लेकिन अनइवन सरफेस भी एक प्रॉब्लम थी. जहाँ पे सरफेस अनइवन था वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती थी. किस चीज़ में? इस कार्ट को कैरी करने में, इसको पुश करने में. तो लेकिन वे वहाँ जाना पसंद करते थे जहाँ वे इसे आसानी से ले जा सके. आपको पता है बाद में अर्ली ह्यूमंस ने क्या किया? उन्होंने रास्ता बनाना स्टार्ट किया. पहले क्या करते थे? वे पहाड़ों से, इस पहाड़ से उस पहाड़ के ऊपर चले जाते थे, यहाँ से वहाँ चले जाते थे. उन्हें बहुत सी परेशानियाँ होती थी. कभी कभी उन्हें जो है किसी पहाड़ों पे या जो भी घने जंगल होते थे, फॉरेस्ट होते थे, उनमें उनको एनिमल्स मिलते थे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक. तो इस तरह से उन्होंने हर चीज़ में धीरे धीरे अपने आप को डेवलप किया. और जब उनको ये समझ में आया कि व्हील कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ईजी कर देता है लाइफ को, तो उन्होंने ऐसे रास्ते चुनना स्टार्ट किए जो इवन अन इवन नहीं थे, इवन थे. प्लेन रास्तों पे जो व्हील होते हैं वो चलाना बहुत आसान हो जाता है. ठीक है. दस द इन्वेंशन ऑफ द व्हील हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन ह्यूमंस. As time passed, humans improved the wheel they had discovered. Today, vehicles can be fitted with different types and sizes of wheels made of wood, steel, rubber, etc. आपने देखा होगा कि you have seen that in your cycle, rubber, steel और iron, ये तीनों को use करके आपके cycle का wheel बनाया गया है. ऐसे ही similarly आपको मिलेगा wood का भी wheel मिलेगा कहीं कहीं. आप इसको गांव में देख सकते हो. जब आप विलेज जाते हो अपने, तो वहाँ पे आप देखना कि किस चीज़ में ऐसे ऐसा व्हील लगा है जो वुड का बना हुआ है. बेटा पहले द स्क्रीन इज शेयर्ड बेटा. सो देर आर सो मेनी काइंड ऑफ व्हील्स इन नाउ अ डेज. तो अब इसी में से एक है पॉटर्स व्हील. पॉटर्स के पास भी क्या होता है? व्हील होता है जिससे ही पॉटर्स मीन्स कुम्हार. कुम्हार को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पॉटर कहेंगे. ठीक है. जो आपको मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको आप कहेंगे पॉटर. तो पॉटर क्या करते हैं? दे यूज देयर व्हील एंड दे मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स.
सो द पॉटर्स व्हील कंसिस्ट ऑफ अ राउंड फ्लैट वुडन और मेटल सरफेस दैट मूव्स व्हेन द पॉटर शेप्स क्ले ऑन इट. वो मिट्टी से अपने व्हील के ऊपर इतनी तरह की चीज़ें बनाते हैं, डिशेस बनाते हैं कि आप उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो, उन्हें खरीदते हो. हम अपने घरों में इन डिशेस को, इन जो भी ये बनाते हैं पॉट्स, उनको लाना पसंद करते हैं, उन्हें यूज़ करना पसंद करते हैं. हमेशा पूजा में मिट्टी को शुद्ध माना जाता है, सॉइल को हमारे यहाँ शुद्ध माना जाता है, इसलिए इनके जो हैं पॉट्स, जो भी ये दिए हैं सारे, उनको आप खरीदते हैं, यूज करते हैं. सो चलिए, नेम एनी फाइव ऑब्जेक्ट्स दैट यू बाय फ्रॉम द पॉटर. ये आपको एक्टिविटी में करना है. सो नाउ कीवर्ड्स, देयर आर थ्री कीवर्ड्स. इनमें क्या है, मोड है, अ वे और मैनर इन विच समथिंग ऑकर्स और इज एक्सपीरियंस्ड. लेटर आई विल. इन्वेंशन, देखिए मोड क्या है, अ वे और मैनर इन विच समथिंग ऑकर्स और इज एक्सपीरियंस. कोई एक ऐसा रास्ता, कोई एक ऐसा तरीका जिसमें कुछ होता है या कोई चीज़ अनुभव की जाती है, फील की जाती है. इन्वेंशन, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन मेड और नेवर एग्जिस्टेड बिफोर. इन्वेंशन क्या होता है, इन्वेंशन वो होता है जो पहले नहीं हुआ था. एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी क्रिया जब जो पहली बार हुआ होता है और नया होता है, तो उसको क्या कहते हैं, इन्वेंशन कहते हैं. पॉटर, अ पर्सन हु मेक्स डिशेस, प्लेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्ले ऑन अ स्पेशल व्हील, ही कॉल्ड पॉटर. थिंग्स टू रिमेंबर, अ व्हील इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन फॉर मैन. क्या है व्हील, क्या है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है मैन के लिए. बिफोर इट इन्वेंशन, मैन हैड टू वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड कैरी हिज ओन फूड. अ लॉग ऑफ वुड वॉज द फर्स्ट व्हील. व्हील्स आर यूज इन ऑल काइंड ऑफ मशीन फ्रॉम द स्मॉल वॉच टू बिगेस्ट मशीन इन द फैक्ट्री. Now is the turn of exercises. Fill in the blanks using correct option. So early man lived in a caves. Man carried the hunted animals on his back. Man learned to make pots on a potter's wheel. Put these sentences in the correct order.